आज हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेशन जो होता है, क्वेश्चन फॉर्म मतलब क्वेश्चन बनाना, कैसे बनाया जाते हैं वो देखने वाले हैं। हमेशा हम लोग क्वेश्चन जो शुरू करते हैं तो टू से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, डू यू हैव बुक, क्या तुम्हारे पास किताब है। तो क्वेश्चन शुरू करते समय किससे किया जाता है, डू से किया जाता है। लेकिन आज हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। जो पहला पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था कि यूज ऑफ बी एंड हैव, किस प्रकार से बी का उपयोग है, टू बी मतलब टू बी का रूप, टू बी के रूप हम लोगों ने देखे ना, एम इज आर, याद है ना। टू बी के रूप कौन से देखे थे, एम इज आर, और पास्ट टेंस के कौन से है, वाज वेयर, याद है। तो इनकी मदद से क्वेश्चन फॉर्म कैसे किए जाते हैं, यानी इनकी मदद से प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं, इसी को यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जिसका जवाब यस होता है या फिर नो होता है। आ रहा है समझ में, जिसका जवाब एक तो यस आएगा या फिर नो आएगा। अगर मैंने सवाल पूछा डू यू हैव पेन, तो आपका जवाब क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जवाब, डू यू हैव पेन, पेन है आपके पास, यस यस आएगा, या फिर नहीं है तो नो नो आएगा, बराबर। डू यू हैव बुक, यस यस, या फिर नो नहीं है। डू यू हैव टेक्स्ट बुक, यस यस, या फिर नो। ये यस नो टाइप के जवाब है, सवाल है। तो यही सवाल, यस नो टाइप के सवाल भी हम लोग किससे कर सकते हैं, बी का उपयोग करके कर सकते हैं। इसका उपयोग करके बी का, बी मतलब टू बी का रूप, ये बनाने के लिए आप आते हैं परीक्षा में। तो इसके लिए कैसे कैसे प्रश्न बनाते हैं हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास देखो ये जो ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी वर्ब बी एंड हैव फॉर्म क्वेश्चंस विदाउट द हेल्प ऑफ डू। डू की मदद के बिना भी हम लोग टू बी का उपयोग करके क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि एक सवाल हम लोगों ने अभी देखा, डू यू हैव बुक, मैंने आपका सवाल पूछा, क्या सब जवाब था आपका, yes. और नहीं है तो नो आई डोंट हैव, बराबर, ये आपका जवाब होगा। लेकिन ये तो टिपिकल फॉर्मेट है, हमें किसका उपयोग करना है, हमें बी का उपयोग करना है और हैव का उपयोग करना है, किसके लिए, क्वेश्चन तैयार करने। तो फिर वो कैसे बनते हैं वो अभी हम लोग देखते जा रहे हैं। अब हमारे पास टू बी के रूप कौन से है, टू बी के रूप बताइए कौन से है, एम इज आर वाज वेयर, इनका उपयोग करते हैं। विशाल भी है लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का ही देख रहे हैं ना हम लोग। तो इनका उपयोग करके हमें क्या बनाने हैं, सवाल बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे आर का उपयोग करके मैंने क्या किया है, आर यू राइटिंग अ स्टोरी, आर यू राइटिंग अ स्टोरी, क्या तू, क्या तू लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, कहानी। हाँ, तो किसका उपयोग किया है, आर का। आर क्या है, टू बी का रूप है। तो प्रश्न बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी क्या, टू की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। किसकी किसकी मदद की हम लोगों ने सवाल बनाने के लिए, टू बी के रूप। आंसर में क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, क्लियर हो गया तुम्हारा, टू बी के रूप की मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, बराबर है। पहला सवाल हम लोगों ने लिया, आर यू राइटिंग अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिख रहे हो। नेक्स्ट, इसका उपयोग क्या है, इज शी गोइंग होम, क्या वहां घर जा रही है, बराबर। फिर वेयर दे रीडिंग देयर बुक, वेयर भी क्या है, टू बी का रूप है। वेयर दे रीडिंग देयर बुक, क्या वो अपनी किताब पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग किया हम लोगों ने, आर इज वेयर। इसके अलावा भी आप अपने मन से बताओ क्या कर सकते हो, बताओ अपने मन से, क्या आपके बना मैडम क्या, मैं अंदर आ सकती, हमेशा आई से होना जरूरी नहीं है, एम आई कमिंग मैडम, मैं अंदर आ
कि एम इज आर जहां पे हम लोग क्या करते हैं कर्ता से ही यूज करना है। एम के लिए आई लगेगा, इज के लिए ही शीट लगेगा और आर के लिए वे यू दे लगेंगे कर्ता, बराबर है। और वॉज के लिए फिर से ही शीट लगेगा और वेयर के लिए वे यू दे लगेगा, बराबर है। तो उसके अनुसार हम लोगों ने कर्ता बदल लिया है, आर के बाद बराबर यू लिया है, इज के बाद बराबर शी लिया है, वेयर के बाद क्या लिया है दे, आर के बाद यू। अब इज के साथ और क्या जोड़ सकते हो आप, इज इज ही कमिंग, क्या बोला आ रहा है, आ रहा है, समझ में आया हम लोगों को। एक मुझे बात बताओ, एक प्रश्न कैसे बनाया समझ में आया, क्या लिया हम लोगों ने टू बी का रूप, टू बी के रूप कौन से लिए, एम इज आर वॉज वेयर, बराबर। तो एम किसके साथ जुड़ेगा, आई के साथ, आई के साथ, हाँ। तो एम वाला दिया नहीं है लेकिन मैंने लिया है, नहीं एम वाला लिया है। Am I coming ma'am? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर इज लिया, तो इज किस किस के साथ जुड़ेगा, he, she, it के साथ। तो इन तीनों से सवाल बनेंगे ना, इज शी कमिंग टू स्कूल, इज ही कमिंग टू स्कूल, इज इट राइट, क्या यह सही है, ज्यादा सही, कैसे जोड़ रहे मैम। अब वॉज वेयर की तरफ चलो, वॉज वॉज किसके साथ जाएगा, he, she, it, तो क्या होगा, was he correct, कुछ भी सेंटेंस मिला अपने मन से, was he come, was he came to school, क्या वो स्कूल आया था, was he came to school, बराबर जा रहा है। और where का कैसे आएगा, you, they, we के लिए यूज करो, where we are going, where we are going, हम कहाँ जा रहे हैं, where अलग है, बराबर है। ये रेगुलर वेयर है, डब्ल्यू एच वाला नहीं है, ये वेयर कौन सा है, डब्ल्यू ई आर ई वाला है, बराबर है। वेयर आर दे गोइंग, वो कहां जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कैसे बनाने हैं, किसका उपयोग करके, बी का उपयोग, बी का उपयोग करके हम लोगों ने सवाल कौन से बनाए हैं, यस नो टाइप सवाल बनाए हैं, मैं जिसका जवाब आपको क्या आना चाहिए, यस या नो आएगा। आप अपने मन से भी करके देखो, कोई वाक्य वाक्य बनाने आए समय में आया आपको, पक्का देखो, शायद मन से फिर से देखो, आर यू राइटिंग अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिख रही हो, तो जवाब क्या आएगा, एक तो लिख रही होगी तो यस आएगा, नहीं लिख रही होगी तो नो आएगा। फिर इज शी गोइंग होम, क्या वह घर जा रही है, यस यस आएगा या फिर नो आएगा। वेयर आर दे रीडिंग देयर बुक, क्या वो किताबें पढ़ रही है अपनी, यस आएगा या फिर नो आएगा। आर यू रेडी टू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, यस आएगा नो आएगा। इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, यस आएगा। इज इट करेक्ट, क्या यह सही है, यस आएगा या फिर नो आएगा। आ रहा है समय, सिर्फ आपको जोड़ी याद रखने की, इसके साथ यही जाना चाहिए, इसके साथ यही जाना चाहिए, सही है ना, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। अब ये हो गए हमारे, किसका उपयोग था, ये टू बी के रूप का। अब हम लोग हैव का उपयोग करते हैं, अब हैव का उपयोग करके देखो सेंटेंस बनाया है, हैव आई मेड अ मिस्टेक्स। अब हैव और हैज किसके साथ चलता है बताना, हैव किसके साथ चलता है, आर वी यू दे, ये क्या है, प्लूरल है, बराबर है, बहुवचनी, बहुवचनी कर्ता के साथ क्या चलेगा, हैव। और he, she, it इनके साथ क्या चलेगा, has, बराबर है। हाँ, तो has कहाँ चलेगा और have कहाँ चला, तब समझ में आया। अब देखो, have I made a mistake, have वाला क्या इसके साथ क्या है, I के साथ। हाँ, तो have I made a mistake, have you written this, क्या तुमने ये लिखा है, has he given you a book, क्या उसने तुम्हें किताब दी है। देखो, has किसके साथ गया है, ठीक है, had she, अब अपने मन से करके देखो, had she came here, क्या वो यहाँ पे आई थी, had it correct, क्या यह सही है, जा रहे सही, have के साथ करके देखो, have के साथ करके देखो, ये दिया, have I made a mistake, have you made a mistake, brother, have you made a mistake, have they made a mistake, सिंपल में देखो,
Have I made a mistake? Have you made a mistake? Have they made a mistake? प्लूरल लगा रहे समझ आ रहा है यहाँ पे देखो वही है Have you written this? Have they written this? Have we written this? आ रहा है और Has she given you a book? Has she given the book? बराबर समझ आया पे उपयोग Have और to begin रूप का to begin रूप कौन से हैं And is are was where present tense के am is are past tense के was where answer में इनसेट सवाल कैसे बनाने समझ में आया अब ये सवाल तो हो गए हमारे पास किस यस ना टाइप के क्वेश्चन है देखो जैसे have I made a mistake क्या मैंने गलती की जवाब क्या आएगा no no की या फिर yes की है तो क्या आएगा yes have you written this क्या ये तुमने लिखा है जिसका जवाब यस आता है या फिर नो आता है बराबर उसको क्या कहते हैं यस नो टाइप का परीक्षा में आता है एक स्टेटमेंट दिया जाएगा सामान्य वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका यस नो टाइप क्वेश्चन बना तो वो कैसे बनाना किसी के साथ सिखाते हैं ये हो गया ये एक बार समझ में आया कि फिर वो सिखाते हैं आए समझ में अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच मतलब इसकी शुरुआत किससे होती है WH से दो टाइप के सवाल है एक WH है और ये yes no टाइप है तो WH का देखो Where are you going? What is he pending? Why are you laughing? तुम क्यों हंस रहे हो? What have you drawn? तुमने क्या निकाल draw किया? Why has he come? वो वापस क्यों आया? Where have you put in? तुमने ये कहाँ पे रखा? अब देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे to be का रूप और have has का उपयोग है। समझ में आ रहा है? किसका उपयोग है? To be का रूप है या फिर have और has का उपयोग है? किसकी मदद से? WH की मदद से। आया समझ में? पक्का इसके जवाब yes no में नहीं आएंगे। Where are you going? तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे आप? I am going to market. School. I am going to market. बराबर है? What is she painting? वो क्या painting कर रही है? तो जवाब क्या हो सकता है? She is painting nature. She is painting tree. She is painting house. बराबर? फिर Why are you laughing? क्यों हंस रहे हो भाई? We are laughing joke. just because of the joke. What have you drawn? तुमने क्या ड्रॉ किया क्या खींच निकाला क्या जवाब आएगा I have drawn water. I have drawn picture. बराबर Why has she come? वो कहाँ वो क्यों आया He has come to bring bag. Bag लेने के लिए आया कुछ भी जवाब दे सकते हो Where have you put it? तुमने इसे कहाँ पे रखा I have put it in the bag. ये बैग में रखा सवाल का जवाब कैसे करना समझ में आया मैंने ये डबल सिखाया आपको याद क्या रखना है इसमें पूरे इसमें क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं एक तो डू यू से शुरू होने वाले यस नो टाइप जवाब होता है किसका डू यू हैव बुक आपका जवाब होगा यस लेकिन इसके अलावा भी हम सवाल बना सकते हैं किसकी मदद से टू बी के रूप की मदद से टू बी के रूप कौन से हैं Am, is, are, was, were. इनकी मदद से हम लोगों ने सवाल बनाए बराबर have और how की मदद से भी हम लोगों ने क्या किए हैं सवाल बनाए इन दोनों का एक क्या है नियम कि ये दोनों के जवाब जो है वो किसमें आएंगे yes या फिर no में आएंगे बराबर लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग WH से भी सवाल बना रहे हैं WH से तो WH से सवाल बनाते समय उसके जवाब यस और नो में आएंगे क्या नहीं WH के तो सवाल बनाए हम लोग
आर इज टू बी के रूप का हैव हैज का उपयोग किया। तो पूरे इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, टू बी का रूप और हैव और हैज का उपयोग करके क्या बनाए, क्या बनाए क्वेश्चन।